एज यू नो कि मैं मेकओवर सीरीज बना रही हूँ। आई होप आपने मेरा रूम मेकओवर वीडियो देख लिया होगा अभी तक। ये सेकंड एपिसोड है बाथरूम मेकओवर का। मेरा बाथरूम बहुत ही मतलब छोटा तो नहीं है, स्पेशियस है बट कोजी वाला है, इतना बड़ा भी नहीं है, ज्यादा कुछ रहता नहीं है मेकओवर करने में। और थोड़ा मुझे एस्थेटिक बाथरूम चाहिए अभी, तो मैं उस हिसाब से डेकोरेशन करने वाली हूँ। डेकोर में मेरे पास कुछ ज्यादा खास है नहीं। पहला स्टेप तो यही है कि मुझे पहले क्लीन करना पड़ेगा, सब सामान बाहर आएगा, क्लीन होगा, फिर मैं रीअरेंज करूंगी जैसे हमने रूम मेकओवर में किया था। बिफोर एनी फर्दर टू लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। थोड़ा तो क्लीन हुआ है, गुड जॉब पी। पसीना पसीना हो गया। ओके गाइस, सो आई एम डन विथ क्लीनिंग पार्ट एंड मुझे हाथ दुख रहा है, सिर दुख रहा है। डीप क्लीन मैंने किया है, ओह माय गॉड। फिर भी अच्छे से हुआ कि नहीं हुआ है मुझे नहीं पता है, जैसे मम्मी करती है वैसे तो डेफिनेटली नहीं हुआ है। और ये कैमरा मेरा टेढ़ा है। बात ये है कि मैंने मीशो से ये शेल्फ ऑर्डर किया है, एडहेसिव टेप, ओह माय गॉड टूटा हुआ है, अभी मैंने देखा। शिट यार, अभी इसकी डेट भी चली गई है। तो ये शेल्फ मैंने मीशो से ऑर्डर किया और साथ में एडहेसिव टेप भी आई है, बट मेरे बाथरूम की जो टाइल्स है उस पर ये टेप चिपकने नहीं वाली है, वो मैं श्योर हूँ। इसको मैं रस्सी से बांधने का सोच रही हूँ, तो थोड़ा एस्थेटिक भी लगेगा ऐसा मुझे लग रहा है। चलो तो इसका जुगाड़ करते हैं, बाथरूम के अंदर जाना पड़ेगा ना पहले। यहाँ पे इसको लटकाने का सोच रही हूँ ताकि मेरा जो भी है फेस वॉश वगैरह सब यहाँ पे, मैं जब मैं यूजुअली ना नीचे बैठ के नहाना पसंद करती हूँ, वो ये यहाँ पे रहेगा। ये है मेरा चौका। वो जुगाड़ काम नहीं करा, मतलब ऐसे सी सॉ जैसा हो गया था, तो मैंने फाइनली वो एडहेसिव टेप लगा के उसको फिक्स किया है। अभी देखते हैं ये कितने दिन तक चलता है, होप सो कि ये वर्क कर जाए। ओके सो हाफ जॉब इज डन, क्लीनिंग पार्ट इज डन एंड ऑर्गेनाइजेशन पार्ट इज डन, तो वो सब हो गया है। अभी डेकोर के लिए मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। इंस्पिरेशन के लिए कुछ पिक्चर्स देखे थे बट आई थिंक और काम करना पड़ेगा इसके ऊपर, सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या फिक्स हो सकता है, क्या अच्छा लग सकता है, वो सब मुझे फिगर आउट करना बाकी है। सो स्टे ट्यून फॉर आगे का वीडियो। साइनिंग ऑफ नाउ। हाय गाइस, सो ऑलमोस्ट 15 दिन से तो ज़्यादा हो ही गए हैं जो मेरा बाथरूम मेकओवर चल रहा था, उसके बीच में मैं इंदौर जाके आई, महाकाल के दर्शन करके आई, नवरात्रि भी आ गई, बहुत कुछ हो गया है। मेकओवर मेरा बीच में रुक गया था। ये वाले बाथरूम के लिए जो मैंने डेकोर पीसेस ऑर्डर किए वो मैं आपको दिखा देती हूँ। फर्स्ट वन इज दिस हैंगिंग पॉट, ये बहुत ही क्यूट है, ये मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया है। नेक्स्ट है ये कैंडल्स जो मैंने मीशो से ली है, एकदम रियल जैसी लग रही है, मतलब कोई बोल नहीं सकता है कि ये ऐसे फालतू तो नहीं है। मतलब लुक एट दिस, ऐसे उसकी फ्लेम भी ऐसे 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 हो रही है, चपक चपक हो रही है। मुझे ना ऐसा ट्राई करना है कि बाथरूम में ऐसे कैंडल जला के फिर शार लेना, कैसी फील आती है। यूजुअली सब सेंटेड कैंडल्स रखते हैं बट हम ऐसे आर्टिफिशियल रख के ट्राई करेंगे कि कैसा लगता है, और ये जब लाइट जाएगी तो भी काम लगेगा ये वाला। दूसरा मैंने ये क्रीपर ऑर्डर किया है, 70 या इतने रुपीज में दो क्रीपर मैंने ऑर्डर किए हैं। और लास्ट एंड फाइनल इज दिस वुडन ट्रे, मुझे ऐसे था कि इसकी साइज इतनी ही आएगी, बड़ी साइज में आया है, तो अभी मैं सब कुछ इसमें ही ऑर्गेनाइज करने का सोच रही हूँ। आज पूरा बाथरूम डेकोर हो जाएगा और उसके बाद का वीडियो मैं पता नहीं कब शूट करूंगी, क्योंकि 5 तो ऑलरेडी बच चुके हैं। और हाँ, मुझे एक DIY पॉट भी बनाना है, छोटू सा। पहले ये अंदर का कम्प्लीट कर देते हैं, DIY पॉट मैं लास्ट में बनाऊंगी, ऐसा ही करता है। चलो अच्छा लग रहा है, जुगाड़ मेरा काम कर गया है। आई होप कि ये पानी से खराब ना हो जाए, नहीं होगा, वैसे इतना महंगा भी नहीं है ये। इसको मैं चेंज करने का सोच रही हूँ, सब कुछ वुडन ट्रे में रखने वाली हूँ।
हाय गाइस, सो इट्स अ लॉन्ग 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 ड्यू। मैंने जब से स्टार्ट किया था मेकओवर करना तभी से लेके अभी तक का टाइम जो है 1.5 मंथ हो चुका है। जो भी मेकओवर मैंने किया था उसका फाइनल रिजल्ट मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी। चलो मैं बाथरूम में लेके चलती हूँ, मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है। ऐसा वीडियो मैंने पहले नहीं किया है तो मुझे थोड़ा सा ना ऐसा अजीब फील हो रहा है। बहुत ही सिंपल सा मेकओवर है, बहुत ही मिनिमलिस्ट है और इंडियन बाथरूम को दिमाग में रखते हुए किया। लेट्स गो इनसाइड माई बाथरूम। बहुत ही अजीब फील हो रहा है दिखाने में कि चलो बाथरूम में चलते हैं। इनसाइड खुल जा भाई। सो अंदर एंटर होते ही यहाँ पे है बेसिन, उसके ऊपर है मिरर। हाय, यहाँ पे एक शेल्फ है, इसके अंदर क्या रखा है मैं आपको दिखाऊंगी। बेसिन है और उसके नीचे एक कबाट है। सो ये सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। ये है मेरा फेस मास्क, ये ना बहुत वायरल हुआ था, मैंने भी ऑर्डर किया था। हालांकि इससे कुछ खास इतना फर्क नहीं पड़ रहा है। ये मैंने DIY किया है, आपने आगे वीडियो में देखा ही होगा, इसको भी DIY किया है। ये कंडीशनर जिसमें आता है ना वो डब्बा है, आर्टिफिशियल कैंडल है। मैं आपको ये ऑन करके दिखाती हूँ और ये देखो बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसमें सिर्फ फ्रेग्रेंस नहीं है, बिल्कुल रियल कैंडल ही लग रही है। देन ये कबर्ड में जितनी भी मेरी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स है वो सब है और ट्रैवल रिलेटेड सामान है। यहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स है और नीचे मेरी ट्रैवल किट है, ये मैं हमेशा रेडी रखती हूँ ताकि मुझे ट्रैवल के टाइम पे सब कुछ ढूंढना ना पड़े। फिर यहाँ पे टूथब्रश होल्डर में मैंने हैंगिंग पॉट रखा है और यहाँ पे कुछ अलग नहीं करना था। वैसे मुझे वॉलपेपर चिपकाने थे, फिर मैंने सोचा कि वो गीले तो हो ही जाएगा। कि ये वाले कबर्ड में यहाँ पे पॉलिथीन है और नीचे बाथरूम साफ करने का सामान है जो यूजुअली इंडियन बाथरूम्स में होता ही है। यहाँ पे शावर एरिया है, ये मैंने ना जुगाड़ करके भी गलत लगाया हुआ है। और यहाँ पे मेरे रूटीन की जितनी भी चीजें हैं जो मैं शावर के टाइम पे यूज करती हूँ वो सब मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। और ये है कमोड एरिया, इसको दिखाने की जरूरत नहीं है, यही कॉर्नर पे खड़े रह के पूरा बाथरूम दिख रहा है। तो ये डोर के पीछे वाला कॉर्नर हो गया, ये बेसिन और ये शावर एरिया और ये कमोड एरिया। That's all about today's video, guys. Let me know कि आपको कैसा लगा बाथरूम मेकओवर। और मैंने एक रूम मेकओवर का वीडियो भी बनाया और दूसरा भी मैं बनाने वाली हूँ। If this video helpful to you, then give it a big thumbs up. अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, then do subscribe to my channel. I'll see you guys in next video. Bye.